आप सभी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिवाली की शुभकामनाएं देती हूं। स्वाति फाउंडेशन के तत्वाधान में पैड्स से क्या पर्दा टैगलाइन के अंतर्गत जल्द ही पूरे प्रदेश में सैनिटरी पैड्स की ऑटोमेटिक मशीन लगाए जाने का अभियान शुरू होगा। ये मशीन उन सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी जहां महिलाओं का आना जाना सबसे ज्यादा होता है। पहले चरण में ये मशीनें राजधानी लखनऊ के प्रमुख मॉल्स जैसे प्लासियो, लुलु, सहारागंज एवं शिराउस हैंगआउट कैफे आदि जगहों पर लगाई जाएगी। इस संदर्भ में राजधानी के शिराज हैंगआउट कैफे में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में स्वाति फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष और राज्य की पूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने बताया कि माहवारी कैसा विषय है जिसके विषय में जागरूकता को बढ़ाने का समय है और स्वाति फाउंडेशन पिछले कई सालों से इसी जागरूकता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। पार्टी का मैं हिस्सा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा, हमारी पार्टी की जो सोच है संवेदना के स्तर पर, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ तो मैं भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ऐसे भी मानना था, जो उनकी विचारधारा है कि हमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे लेकर आना है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब से हमारी सरकार केंद्र में बनी है, जिस तरीके से बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएँ लेकर आए कि महिलाएं सशक्त हों, प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम को किया, धरातल पर उतारे। और कहीं ना कहीं जब मैं संवेदना की बात कर रही हूं तो क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूं, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूं, तो मैं इन परेशानियों को समझ सकती हूं। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे गृह मंत्री जी का जन्मदिवस है, तो इस अवसर पर भी, क्योंकि मैंने कहा जिस पार्टी की मैं हिस्सा हूँ, जिस पार्टी का, तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मुझे लगा कि इस काम को करना चाहिए। और जैसा कि अभी मेरी एक बहन ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं जब हमें, कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स आ जाते हैं हमारे, हम मार्केट में, हमारे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है, तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ती थी, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। ये मैं सिर्फ एक मैसेज देने का काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारे समाज में इसे लोग टैबू मानते हैं, पीरियड्स के विषय में कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी भी सैनिटरी नैपकिन के विषय में बात करते हैं, वो कहते हैं कि इसका लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, स्कूल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि बच्चियों को समस्याएं ना आए। अगर कभी क्लास में हैं, स्कूल में हैं, उस बीच अगर कोई परेशानी आ रही है तो उनको समस्या ना आए। तो इस पार्टी की विचारधारा को और सरकार की विचारधारा को, क्योंकि मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और समाज का हिस्सा हूँ, बहुत ज़रूरी है कि समाज भी सरकार की सोच और पार्टी की सोच के साथ आगे बढ़े। इसलिए सभी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ और पूरे देश की जनता को शुभकामनाएं देती हूँ। और ख़ासकर मैं इस देश की आधी आबादी को जरूर शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली के दिन, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर में, वैसे ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बेटियों की पूजा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों की पूजा करते हैं, वैसे ही हम अपने घर में आई हुई बेटियों की ज़रूर पूजा करें, उनको खूब प्यार से रखें। और माँ लक्ष्मी की जैसे हम पूजा करके उनको सजोते हैं अपने घर में, वैसे ही हम बेटियों को भी सजोएं। आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।